कई इस राज्य में इस प्रकार भी आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है और आदिवासी अपने आप को हेमंत सोरेन भी कहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, आप चले जाइए रांची के आस पास, बेरो चले गए, जानो चले गए, सब जगह जितनी भी घर मजर हुआ जमीन है दलाल और बिचौलियों के नाम से बंदोबस्त करके और प्लॉटिंग करके लोग बेच रहे हैं। गरीब बेचारा रोज दौड़ दौड़ करके लोग आते हैं और कहते वीडियो साहब ये सीओ साहब नहीं सुन रहे हैं, थाना वाले नहीं सुन रहे हैं, डीसी साहब नहीं सुन रहे हैं। भाई अभी तो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही नहीं सुन रहे हैं क्योंकि उन सारे लूट में उन दलाल और बिचौलियों से संबंध है और उन लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैंने आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आपका साथ और आपका सहयोग या आपको संकल्प लेकर के जाना, यही मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं। ये भी गरीबों के लिए भी, किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी काम करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि सबों को देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जिन महिलाओं को आज तक जो लोकसभा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था, तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं कि आप लोकसभा और विधानसभा में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाएगी, पर्याप्त जनसंख्या में वहां विधायक और सांसद भी बनेंगे और इसको सुनिश्चित करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी देश के प्रधान आज तो संकल्प यात्रा में आए, लेकिन संकल्प यात्रा में मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि हम सब लोगों को क्या संकल्प लेना है, क्या संकल्प है। तो ये संकल्प आज चौरस है किस राज्य का, कि राज्य के अंदर भी क्या है। आज राज्य में अपराध बढ़ गया है, रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहुत बेटियां भी आज सुरक्षित नहीं है। और इसलिए हम यही कहने के लिए आया हूं कि झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।